इसको चश्मे का और लड़की का शौक है, ये सच यही कहना चाहता था। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। गाइस, हमारे दिन की शुरुआत हो गई है और देखिए ये वक्त है किड्स के स्कूल जाने का, तो ये दोनों भी एकदम तैयार है। देखो सुबह ही भाई बहन की लड़ाई चालू हो गई। नो, डोंट हिट ईच अदर। नो, अच्छा जैनिस, डोंट टच एनीथिंग। ये अभी से इतने देख, मैंने कल पूरे धोए हैं मैं और अभी से गंदे कर रहा हूँ। चलो बैग उठा लो, पकड़ो, ठीक है, ये सारे खाना। चलो जल्दी, टाइम हो गया है, पकड़ो, जल्दी तुम ही पकड़ लो, वहाँ बच्चों को पकड़ लेते, जल्दी आ जाओ। चलो चलो उधर, ये आहान को चिढ़ाती रहती है और परेशान करती रहती है। जैने, डोंट हिट योर ब्रदर, नो इट्स वेरी बैड। तो देखिए गाइस, सुबह सुबह का माहौल कितना जबरदस्त है। उधर मत जाओ बेटा, नहीं ज्यादा आगे मत जाओ, यहीं पर रहो। जल्दी जैनेट वहां मत जाओ, अपने आप आ जाएगी वो, इधर आ जा, तू जाएगी तो चुप जाएगी वो। आहान, ये देखो गाइस, बिल्ली कहाँ छुपी हुई है, जैनेट इसी को देख रही है। जैसे को देखे, आइए इसका कुत्ता क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मत खा रहा है, खाना खाएगा और क्या कर रहा है। वो बिल्ली है, कह रही थी वो मैं तो मजे मजा खाना खाऊंगी। ए कीचड़ है, जैनेट पानी से दूर रहे। हमारी मम्मी का नाम क्या है? जैसिका पीना। नहीं, जैसिका, जैसिका। तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? जैसिका। दोनों की एक ही मम्मा है। पापा का नाम क्या है? जैसिका। पापा का नाम क्या है? डैडी। मेरे पास क्या है बेटा, क्यों टॉर्च उठा रहे सारे? काश तेरे दांत भी दिखाओ। अरे क्या उठाया वो दिखाओ, दांत दिखा रही, दांत नहीं दिखाओ, दिखा ना, क्या जल्दी दिखाओ बेटा, क्या है मुझे कैसे पता होगा? डक, तो डक ही है। ये डकी को सही सलामत वापस रखो, जान से उठाइए जल्दी। ज्यादा भी नहीं अच्छा बेटा, यहाँ से उठाया तुमने, यहाँ से उठाया तो गलत जगह क्यों रख रही हो? चलो जल्दी कार, चलो। सो गाइस, जैनेट और आहान तो स्कूल जा चुके हैं और अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। तो फिलहाल सुबह के काम तो हो गए हैं, अभी एक्सरसाइज वगैरह शुरू करूँगा आज से, क्योंकि एक दो दिन थोड़ा सा गैप आ गया, क्योंकि टाइम रूटीन थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया था। तो फाइनली आज दोबारा से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल तो बैठते हैं थोड़ी सी देर, 10 मिनट, और दोबारा आपको कैचअप करते हैं। सो गाइस, एक्सरसाइज मेरी हो गई है और अभी ये वक्त है मेरे नहाने का, तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ नहाने और उसके बाद थोड़ा अपना आज का दिन प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। बाकी एडिटिंग वगैरह भी है, अभी कुछ खाएंगे पिएंगे भी, क्योंकि अभी तो जस्ट दिन शुरू ही हुआ है। सो लेट्स सी क्या छुपा है आज के दिन में और क्या क्या होता है। सो जो सरप्राइज होते हैं वो एक्साइटमेंट लेके आते हैं, अभी हमें भी नहीं पता कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या है। सो इट्स अ सरप्राइज काइंड ऑफ लाइफ, सो लेट्स सी। फिलहाल तो दिन को थोड़ा फ्लो में लाते हुए नहा धो लेते हैं और तैयार होते हैं, फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग जस्ट बाहर गए थे कि बाहर एक सब्ज़ी वाला मिल गया, और एक्चुअली हम लोग ना बड़े परेशान थे इस बात से कि हमको सब्ज़ी नहीं मिलती है। तो मैंने उसको बोल दिया कि पहले तो ना फ्रूट भी आते, तो फ्रूट भी देखे ना, केला वेला थोड़े मेरे हिसाब से ले आना। तो गाइस, सब्ज़ी लेने के का एक बड़ा रास्ता था, मतलब हर थोड़े टाइम में सब्ज़ी ख़त्म हो जाए, और उसके बाद थोड़ी सी सब्ज़ी लेने के लिए हमारे को 10-12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, क्योंकि आपने जैसे हमारा एरिया देखा ही है, मतलब ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ वाला नहीं है और जंगल वाला एरिया है। तो हम जंगल में रहते हैं। जस्ट हम लोग बात ही कर रहे थे कि भाई हम लोग भी अगर मार्केट में रहते होते, सब्जी इकट्ठी करके लाते हैं, फिर फ्रिज में भरो, फ्रिज जो है उस हिसाब से नहीं होते कि हफ्ते 15 दिन की सब्जी रखें, और ये अच्छा भी नहीं है कि मतलब 8-10 दिन पुरानी सब्जी हम लोग बना बना के खाएं।
तो अभी हम लोग सोच रहे थे कि भाई कहीं यहीं पर इंतजाम हो जाए तो अच्छा, जैसे कि बाहर ही थी और मैं बाहर ही था तो पता चला कि एक सब्जी वाला आया और अभी 10 दिन से ही उसने आना हमारी गली में आना शुरू किया है। सो गाइस देखिए, जैसे हम सोचते हैं वैसा हो भी जाता है। तो वी वर इन यू नो डेस्परेट नीड, मतलब एक डेस्परेशन वाली नीड होती है ना, वो थी हमारी। छोटे से काम के लिए भी 10-12 किलोमीटर बाहर जाना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो फाइनली देखो आ गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। और देखो जो सब्जी वगैरह हम वहां से लाते थे तकरीबन 2,500-3,000 की सब्जी लाते थे, अभी यहां से देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यू विल नॉट बिलीव, सिर्फ 150 रुपए में देखिए, देखिए 150 रुपए में सिर्फ सब्जी मिल गई है ना, ये देखिए, और वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक, यहीं के खेतों की। सो एज यू कैन सी, मतलब एक तो प्राइस ज्यादा दो बाहर जाके, और दूसरा 12-15 किलोमीटर आओ जाओ, टाइम लगाओ और डेली की टेंशन लो कि हम जा रहे हैं आ रहे हैं। 100 रुपए लेने हैं समोसे वाले से, उसमें थे नहीं तो कल दे देगा। अच्छा, तो गाइस अभी तो यही सब चल रहा है, समोसे सब्जी, और देखो कितना प्राइस डिफरेंस भी है और क्वालिटी डिफरेंस भी है। सो चलो अच्छी बात है, फाइनली हो गया, कहने का मतलब है हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। तो गाइस फिलहाल मैं जैसा बोल रहा था नहा धो लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तो फिलहाल कंपाउंड क्लीन किया है, एक दो दिन पहले मैंने टेरेस क्लीन किया था, तो अभी फिलहाल एक्सरसाइज भी हो गई है, नहाना धोना कर लेते हैं ताकि बाकी काम शुरू कर सके दिन के, और फिर मिलता हूँ आपसे दोबारा, कैचअप करता हूँ खाने पीने के टाइम पे, चाय भी पियेंगे बाद में, एक बार तो पी चुके हैं, लेकिन चाय एक ऐसी चीज़ है जितनी मिल जाए उतनी कम है। तो फिलहाल मैं नहा लेता हूँ और देखते हैं और क्या क्या करना है। चश्मे तो बढ़िया ही लगते हैं, अच्छी नहीं है मेरे को चश्मों का, और मतलब इसका क्या बोलते हैं, इसका लड़की का नहीं नहीं इसको चश्मे का और लड़की का शौक है, ये सच यही कहना चाहता था। चश्मों का, घड़ियों का बड़ा शौक है। अगले के पास है रेडो, रेडो तो है, वो मैंने गिफ्ट की थी। टैग हेयर मेरे को बहुत पसंद है। एक मेरी घड़ी थी वो मिसप्लेस, पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गई, चोरी कर ली। हाँ, चोरी हो गई वो एक्चुअली। हाँ, ये वाला कह रहा था मैं, ये मैं कब से ढूंढ रहा था, अभी मेरे को याद आया, चश्मे मेरे इसमें पड़े हुए थे। देखो ये मैं बोल रहा था कि ये मेरा एक्चुअली, मेरे को इस टाइप के जो सनग्लासेस होते बहुत पसंद है, तो पहले मैं यूज किया करता था, लेकिन बीच में ये वाला फैशन मेरे को लगा कि थोड़ा सा डिसकंटिन्यू करता हूँ, मैं डिसकंटिन्यू कर दिया। उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने लिया तो पुराना टाइम रिवाइव हो गया एकदम से। देखो कैसा लग रहा है, बंदा कच्चे पहन के बैठा है। हाँ। कच्चा नहीं, निक्कर वाले, कच्चे वाली निक्कर पहन के बैठा। ये देखो हीरो कैसा लग रहा है तो मुझे एक्चुअली इस वाले सनग्लास की शेप बहुत अच्छी लगती है, तो बताइएगा। मैं इसको आज तो फिलहाल मैं चीजें जितनी भी हैं उनको साफ कर रहा हूँ। मुझे क्या कह रहा है, डिस्कार्ड कर रहा हूँ, भाई दे दे। नहीं नहीं साफ कर रहा हूँ ये कहाँ रखना है। अरे ये देखो, ये नाल है, नाल बोलते हैं ना, ये अम्बिलिकल कोड है, ये मेरे बच्चे आहान की है आहान की निकाली थी, तो मेरे पास जेनेट की भी पड़ी और ये आहान की, मैंने इसमें रखी थी संभाल के, देखो कैसी है। और गाइज हमारी लाइफ का जो पहला डॉग था ना, जर्मन शेफर्ड डॉग था, मतलब बॉम्बे का हमारा, तो उसके जो दांत हैं, उसके दांत भी हम लोगों ने आज भी संभाल के रखे हैं। उसका पहला जो दांत गिरा था आज तक संभाल के रखे, मतलब हमारे लिए वो विशिंग वेल था एक तरह से, कह सकते हो कि वो, मतलब अगर हम उससे कुछ मांगते थे तो हमें मिलता जरूर था। अरे बहुत अच्छा था, ही एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ 5 years। सो लाइफ ऐसी चलती है, तो देखते ही रहिए हमारे व्लॉग और अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको। आज फिलहाल तो सनग्लासेस पे अटैक किया है, आज इन सबको साफ करेंगे। सो गाइस दोपहर का वक्त है और अभी जैनेट और आहान स्कूल से आने वाले हैं। अभी तो नहीं आए। बिनी ऐसे कैसे बैठे हो बेटा, नींद आ रही है बहुत। सो गाइस माहौल इतना ड्राई हो रहा है ना, मतलब सर्दी आ गई है तो सब कुछ जितना भी एटमॉस्फेयर है वो सारा ड्राई हो गया है, सब सूखा सूखा महसूस कर रहे हैं। ये बच्चा भी सो रहा है, नींद ज्यादा आती है इस मौसम में, चाहे डॉग्स हो चाहे इंसान हो। और ये देखिए बार्बी और ब्रूनो भी यहाँ पर लेटे हैं आराम से। बार्बी बच्चे नींद आ रही है, सो रहा है। सो हम लोग भी गाइज अभी कल काफी लेट हो गए थे, कल गए हुए थे हम लोग, एंजॉय करने गए थे क्योंकि वीकेंड था, सो किड्स का हॉलीडे भी हम लोग एंजॉय कर रहे थे। ये एक चीकू का पेड़ यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, अभी तक एक ही चीकू इसमें से गिरा, बाकी हम ढूंढते रह जाते हैं, एक भी चीकू और नहीं दिखता, लेकिन लगे हुए हैं चीकू, देखने पड़ेंगे कहाँ पर। हाँ ये देखो यहाँ पर है, फिर वो पीछे देखो दूर कहीं वहाँ पर भी दिख रहे हैं 2-3, है ना।
चीकू तो है, एक बार दीवार पे चढ़ के भी देखना चाहिए, कहीं पता चले कि दीवार के ऊपर गिर गए और वहीं पड़े पड़े खराब हो गए। ये तो अगर गिरे भी तो नीचे चले जाएंगे और नजर रखेंगे। सो जैनेट और आहान आ गए हैं स्कूल से, तो अभी देखते हैं उनकी एंट्री कैसे होती है। To just go out. बेटा शैतानी मत क्या करो, सुना? दक्ष की वजह से। ये क्या है कपड़ों की हालत? ठीक है बेटा, दूर बैठो ना फिर। बिनी बेटा पानी क्यों गिरा दिया? मैं पानी भर के रखता हूँ, तुम गिरा देती हो, हैं? तो फिर भर के रखना पड़ेगा। कर ले। बिनी अच्छी लगती है। तो गाइस पानी दे देते हैं। एक्चुअली खुशी में आके ना बेनी तो सब पानी वानी बर्तन सब जो होता है ना सब गिरा देती है जोर जोर से। तो ये इनका तरीका होता है अपनी खुशी जाहिर करने का। ये नल स्पेशली इन्हीं के लिए लगाया, नहीं तो हमारा कोई काम नहीं है। बेनी पीछे जाओ बेटा, सरदार जाओ, कूलर चला देते हैं। मैंने एक्चुअली साउंड के लिए बंद किया था क्योंकि साउंड बहुत तेज आता है। देखिए अंदर क्या चल रहा है। ये क्या है? बॉटल दी थी ना स्कूल में। अच्छा इसके लिए है। कितना अच्छा बनाया है। हाँ। ये क्या? ये कौन सा पेंट है लेकिन जो इस पे चढ़ भी गया। ला बेटा जो जोड़ देंगे इसको, दे मेरे को दे दे। निकल जाते हैं, पापा को दे दो, लगा देंगे। शाम थोड़ी देर में हो जाएगी तो फिलहाल अभी इसे तैयारी कर लेते हैं। डॉग्स के लिए राइस बनाने हैं। ये देखिए ये है केरला राइस एंड इस तरह से कुछ बनाते हैं हम लोग। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि क्या होता है बनाने के बाद थोड़ी देर रखना भी होता है, तो मैं नहीं चाहता कि इस वजह से उनका फूड जो है डिले हो जाए। बाकी जब तक दूसरा खाना ले आते हैं उनका। आहान दीदी ने खाया नहीं? खाया खा तो रही। अभी नाराजगी खत्म हो गई तुम्हारी? नहीं हुई? अभी भी नाराज हो? है अभी भी नाराज हो? क्यों नाराज हो बताओ? दूसरों को मारो तुम, लड़ाई तुम लड़ो बस में, और नाराज हमारे से हो जाओ। तो जैनेट नाराज हो गई थी, आहान ने उसको अपनी चीजें शेयर करके उसको मना लिया। आहान ने मनाया ना तुम्हें, काले काले दे रहे। सो गाइस फिलहाल हम लोग पी रहे हैं स्क्वैश। हाँ हाँ हाँ, सोडे में स्क्वैश पी रहे हैं, ऑरेंज वाला है ना आहान? नहीं बेटा अपना एंजॉय करो। सो गाइस फिलहाल ऊपर पेड़ की छटाई करने वाला आया हुआ है, तो उसको देखते हैं एक बार जाके क्या कर रहा है, क्योंकि डॉग काफी शोर मचा रहे हैं। देखो ये सारे पत्ते जो हैं वो ये बकरियों को खिलाने के लिए लेके जाते हैं। सो ये देखिए गाइस हमारे पेड़ की छटाई हो रही है। ये देखिए ये पेड़ की छटाई हो रही है, वही देखो ये बंदा कहाँ ऊपर चढ़ा हुआ है। देखो ये देखो बिल्कुल पेड़ के टॉप पे खड़ा है, इसके ऊपर जगह नहीं है। फिर से जूम करके दिखाता हूँ। इट्स क्वाइट अमेजिंग ऊपर से कितना अच्छा दिखता होगा। सो फिलहाल इसको करने देते हैं, मैं चेक करना भी ज़रूरी था कि क्या चल रहा है। प्रिंसेस भी आ गई, इसको मना करते हैं, सुनती नहीं। जल्दी है बेटा नीचे जा रहे हैं। हाँ नीचे आना पड़ेगा। सो गाइज ये देखिए जैनेट की क्रिएटिविटी, ये स्पेशली दिखाने के लिए आपको हम लोग बना रहे हैं। हाँ तो मैं करके दिखाता हूँ ना। देखो गाइज इसको एक्चुअली इसकी कारीगरी को देखने के लिए ना अंधेरा करना पड़ेगा। तो मैं पहले अंधेरा करता हूँ फिर हम दिखाते हैं जैनेट ने आखिर किया क्या है। ये देखिए, ये देखिए पीछे फोन रख के डिट्टो कॉपी बना रही है यार। बताओ इतना माइंड किसी के अंदर होगा? टू गुड यार। देखो नीचे फोन रखा हुआ है, नीचे से लाइट आ रही है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, और उसी को देख के एग्जैक्टली वही चीज ड्रॉ कर रही है। एंड शी कैन जूम जूम आउट आल्सो। वाओ थोड़ा सा और करो जूम आउट। ऐसा तो हमने भी नहीं सोचा था कि कभी ये कोई ऐसा कर सकता है। जैनेट थोड़ा सा और जूम आउट। वाकई आज की जनरेशन जो है वाकई चार हाथ आगे सोचती है। वेरी गुड मेरा बच्चा। कंपटीशन आल्सो कमिंग ना, इसे काम करने देते हैं। मैं थोड़ी सी तैयारी करता हूँ डॉग्स को। खैर तैयारी तो हो चुकी है, कुछ करना नहीं है। क्या करूँ कैट का बताओ? पीछे कैट है, नीचे मुझे भी चाहिए। बेटा कैट है तो जाके देख लो। अब आओ। मेरा क्या काम है जाने? नीचे जा। चलो आपको कहीं ऊपर नहीं चढ़ना, नहीं जाइए।
अरे भाई चलो ठीक है। सो गाइस कैट आई है और इनको कैट देखना बहुत जरूरी है। इधर से आहन। सो गाइस शाम का वक्त है और आज हम थोड़ा जल्दी ही खाना खा रहे हैं। कोशिश ये होती है कि जल्दी खा लें क्योंकि लेट नाइट खाना तो वैसे भी अच्छा नहीं होता। तो फिलहाल बाहर के डॉग के काम भी हो गए हैं सारे, बाकी एडिटिंग मैं अभी कर रहा हूँ। हाफ ही एडिटिंग हुई है, बाकी थोड़ी सी और बाकी है। तो अभी देखिए खाना एकदम आ गया है, रेडी है। और ये है मेथी के पराठे, मेथी की सब्जी और दही अचार। तो फिलहाल तो गाइस अभी हम इसी को खाने वाले हैं। जेनेटो और आहान ने भी थोड़ा बहुत खा लिया है, अभी और भी खाएंगे। तो बस चल रहा है, अभी काम भी आज थोड़े से ज्यादा थे तो इस वजह से थोड़ा व्लॉग बनाने की ज्यादा टाइमिंग नहीं बन पाई। बट हाँ काम आज काफी सारे थे, सो ज्यादातर काम कंप्यूटर पे ही होता है। एक तो मीटिंग भी थी, बाहर गए थे फिर वापस आ गए, तो क्योंकि हर जगह तो शूट नहीं हो सकता। तो बट ठीक है, पहले खाना खा लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। सो गाइस बाहर एकदम अंधेरा हो गया है और मैं एडिटिंग कर रहा था और देखिए कितना अंधेरा है। तो लाइट जलाते हैं और इनको भी थोड़ा घुमाना फिराना करते हैं क्योंकि तो लाइटें भी जलानी है शाम को, आज लाइटें नहीं जला पाए। तो लाइटें जलाते हैं, देखिए एकदम रोशन हो गया सब जगह। इधर देखिए, इधर भी सबसे ज्यादा अंधेरा है। सो गाइस जेनेट और आहान तो सो गए हैं और हमारा भी सारे काम ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू से यू गुड बाय। एंड गाइस आज के व्लॉग के पास इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि आपको मिल सके सारे वीडियो सबसे पहले विदाउट एनी डिले। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।